एवान आज ये अब देखते हैं कर्सिव राइटिंग लोअर केस लेटर्स हैं। हमने ये सिलसिला शुरू किया है और यहाँ तक हम इन तक पहुँचे हैं और आज हम इनको जो दूसरे लेटर्स हैं उनको उनके साथ इनका मिलाप जो है कैसा होता है और यहाँ हम उनको सीखेंगे। और आपको भी दरख्वास्त है कि आप वीडियो को गौर से देखें और आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि कर्सिव राइटिंग में लोअर केस लेटर्स हैं एक दूसरे के साथ कैसे मिलाया जाता है। और चलो चलते हैं, अब शुरू करते हैं। इन इन ए इन बी सी इसको ओ की शेप मिलाए और हम यहाँ पर इस तरह ये हो गया। एफ जी जी क्यों एस टी यू वी एन डब्ल्यू कि कर्सिव राइटिंग में हमने ये सिलसिला शुरू किया। आइंदा इंशाल्लाह वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लेटर्स लिखेंगे कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। इंशाल्लाह हमारी जो चैनल है यह किस्म की राइटिंग पर मुश्तमिल है। आपको सिर्फ विज़िट करना होगा हमारे चैनल एलिगेंट पेंस हैं और आप इसके लिखाई के साथ साथ आपको हम दरख्वास्त करते हैं कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुँचे। आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये हमारे अरबिक जो राइटिंग है हम काफ़ी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और पश्तो शायरी जो पश्तो टाइप की राइटिंग है उन पे भी हम वीडियो बना चुके हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल भी हमारे स्नैप पर है और फेसबुक पेज पे हमारे इसी एलिगेंट प्रिंट के नाम से एलिगेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखेंगे।
उम्मीद है कि हमारी ये लिखाई आपको अच्छी लगी होगी और आप काफ़ी इस्तेफादा इससे हासिल कर सकते हैं। जो इंग्लिश राइटिंग है, ये बेसिक राइटिंग है आपको, जो भी नए हैं हमारे चैनल पर। और इससे पहले जो लेटर्स है, ए से लेकर जेड तक हम लिखेंगे इसी टाइप कर्सिव राइटिंग में। और जिसने नहीं देखी हो हमारे पहले वीडियो, उनको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में इनको मिलेंगे। और जो भी मुश्किल हो आपको, जो भी कमेंट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने मुफीद आरा से आगाह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, उसको शेयर करें दोस्तों के साथ। बहुत बहुत मेहरबानी, जजाकल्लाह। माजरत चाहते हैं क्योंकि हमारी कैमरा जो है ना सेट पे था, मैं अकेला था, एक हाथ में मैं कैमरा पकड़ता हुआ, दूसरे में दूसरे पे लिखाई करता हूँ, तो हमारे लिए मुश्किल होगी उसको मैनेज करना। फिर भी कोशिश, मैंने कोशिश की है कि आपको सफ़ा साफ लिखाई मुहैया करूँ।